ये सेटेलाइट जो है चाइना के लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाएगा, शिचांग उसकी साइट का नाम है जहाँ से इस सेटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ये अपने मदार में आ चुकेगा और उसके बाद फिर कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जिसको कि चेक किया जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग लॉन्च ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ सब सिस्टम जो है शायद उस तरह का परफॉर्म ना कर सकें, तो कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं जिससे सेटेलाइट की हेल्थ मॉनिटर की जाती है, सेटेलाइट की डिफरेंट पेलोड की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है। इसके अंदर 1.5 से 2 महीने का टाइम बेसिकली रिक्वायर्ड होता है। पाको के डायरेक्टर सेटेलाइट कंट्रोल अतीकुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की खला में कदम जमाने के लिए पेशकदमी जारी है, पाकिस्तान जुमेरात को दूसरा खलाई मिशन भेजने जा रहा है, इस मिशन के बारे में हमें बताइएगा। खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो है वो 30 मई को अपना एक दूसरा कम्युनिकेशन सेटेलाइट भेजने जा रहा है जिसका नाम पाकसेट M1 है। ये बेसिकली मल्टी मिशन सेटेलाइट है और मल्टी मिशन का मकसद ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हमने रखे हैं जो इससे पहले कम्युनिकेशन सेटेलाइट के अंदर नहीं थे। इस सेटेलाइट के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री है इंशाल्लाह ताला उसको बूस्ट मिलेगा और मुल्क जो है वो इसके साथ अपनी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट इंशाल्लाह ताला कंट्री को इसका मिलेगा। बताइएगा कि सैटेलाइट मिशन कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ये मिशन कितने साल के लिए होगा? ये सैटेलाइट जो है चाइना के लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाएगा, शिचांग उसकी साइट का नाम है जहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ये अपने मदार में आ चुकेगा और उसके बाद फिर कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जिसको कि चेक किया जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग लॉन्च ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ सब सिस्टम जो है शायद उस तरह का परफॉर्म ना कर सकें, तो कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं जिससे सेटेलाइट की हेल्थ मॉनिटर की जाती है, सेटेलाइट की डिफरेंट पेलोड की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है। इसके अंदर 1.5 से 2 महीने का टाइम बेसिकली रिक्वायर्ड होता है, तो उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में आप तमाम कस्टमर लिए सर्विसेज मुहैया करने के काबिल होगा और इंशाअल्लाह ताला मिनिमम 15 साल तक ये सर्विसेज देता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये बताइएगा कि ये जो पाकसेट MM1 सैटेलाइट सिर्फ पाकिस्तान का तैयार करता है या किसी मुल्क या इदारे के साथ हमने इश्तराक करके तैयार किया है इसको? पाकिस्तान ने 2018 में जब 2 सैटेलाइट एक्सैट लॉन्च किए उसमें पाकिस्तान का अपना सैटेलाइट PRSS-1 और PAKTS-1A, तो उसने ये दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान सैटेलाइट बनाने के लिए खुद का फील है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं कि सैटेलाइट की फील्ड अब इंशाल्लाह हमारे लिए मसला नहीं है। तो कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको बाय में इश्तराक करना पड़ता है कि आप रीइन्वेंट द व्हील ना करें बल्कि आपको जो है वो उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, यूज़ करें और फिर आगे जाएं। तो डेफिनेटली इस सैटेलाइट के अंदर हमने दोस्त ममालिक का सहारा लिया जिसकी मदद से हम जो है वो इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। सर ये भी बताइएगा कि ये मिशन हमारा मोबाइल नेटवर्किंग और मवासलाती सैटेलाइट के लिए कितना मददगार साबित होगा? देखिए, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है वो डेफिनेटली सिग्नल को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इससे प्रिवेंशन की टेक्निक्स होती हैं जो कि अडॉप्ट की जाती हैं मुख्तलिफ लेवल पे, जिसमें इक्विपमेंट के अंदर इन्हांसमेंट की जाती है, उसके अंदर कुछ इस तरह के फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिससे ये एरर जो है मिनिमम हो सके और जो डेटा लॉस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इस सैटेलाइट्स के अंदर जो कुछ पेलोड जैसे हैं जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला मौसम की ख़राबी के बावजूद भी सर्विसेज में कोई तातुल नहीं मिलेगा और इंशाल्लाह ताला ये अपनी परफॉर्मेंस उस तरीके से देता रहेगा जिस तरीके से इसको डिज़ाइन या कंसीव किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त दिया है और हमारी दुआएं हैं, हमारी बेस्ट विशेज हैं हमारी स्पेस टीम के साथ कि पाकिस्तान भी अब खलाई मिशन में कामयाब हो और जो एक स्पेस रेस चल रही है पूरी दुनिया में उसमें हम लोग भी अपना नाम बनाएँ और एट दी एंड इवेंचुअली ये हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बेहतर है। और जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के वो इलाके जो हमारी नॉर्दर्न साइड है, दूरदराज के इलाके जहाँ पे कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। बिल्कुल, इसी तरह से जैसे बताया गया कि इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये नया जो मिशन है भेजा जा रहा है जिसका नाम है पाकसेट MM1 सैटेलाइट। हम दुआ करते हैं कामयाब हो और मज़ीद पाकिस्तान आगे बढ़े।